हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी सीए इंटर की एडवांस्ड अकाउंटिंग के इस लेक्चर में जिसमें कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन ऑन शेड्यूल थ्री चलिए व्हाट वी डिसकस यस्टरडे सो वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन फर्स्ट विद द ओवरऑल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एडवांस अकाउंटिंग एज अ पेपर हाउ इज दिस पेपर स्ट्रक्चर्ड आपके कोर्स में क्या-क्या चीजें हैं एंड

वो सारी सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने वाली कंपनियों को ये शेड्यूल थ्री डिवीजन के अनुसार अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को फॉर्मेट करना होता है और जो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हैं वो फॉलो करना पड़ते हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा है कि दिस इज टर्म्ड टू बी पार्ट बी ऑफ लेक्चर वन एंड वंस वी कंप्लीट लेक्चर वन पार्ट ए एंड बी टोटल ऑफ थ्री एंड हाफ आवर्स Then we will do देन वी विल डू अजन ऑफ वॉट ऑल वी है लेक्चर part ए एंड पार्ट बी तो हम जो हमने पढ़ा था उसका एक पूरा रिकॉप सिस्टमैटिकली करेंगे अगले लेक्चर में However, just to kind of get you back on track, हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि शेड्यूल थ्री में कुछ principles और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिससे आप फॉलो करेंगे अगर आप एक कंपनी हैं और आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ये क्या इंस्ट्रक्शन थे तो सबसे पहली बात शेड्यूल थ्री ने कहा था कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई बात हमसे अलग है तो आप वो फॉलो करिएगा शेड्यूल थ्री ना फॉलो करेंगे तो भी चलेगा सेकंड हमने डिस्कस किया था कि हर कंपनी अदर देन जो इंडेस फॉलो कर रही है या बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी और ऐसी कंपनी जिसको स्पेसिफिकली किसी लॉ ने फॉर्मेट दिया है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जाम किया है ये लोग शेड्यूल थ्री फॉलो नहीं करेंगे

हंड्रेड करोड से कम वाले टोटल इनकम की कंपनी इसकी मिलियंस में और कंपनीज अ टोटल इनकम ऑफ हंड्रेड करोड और मोर अप टू करोड़

पैराग्राफ फॉर्म में नरेटिव डिस्क्लोजर्स के फॉर्म में डिस्कलोजर्स दे रहे और कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अदरवाइज डिस्क्लोज नहीं होती है उसे भी आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे यहाँ तक हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था कि शेड्यूल थ्री के हमारे डिस्कशन को हम डिवाइड करेंगे सिस्टमेटिकली कुछ पार्ट्स में हमने जो कल डिस्कस किया है वो जनरल इंस्ट्रक्शन है पॉइंट नंबर वन आज हमारा डिस्कशन शुरू होगा इस शेड्यूल थ्री के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से जो इंटरमीडिएट में आपके लिए रेलिवेंट है जिसकी हेडिंग पॉइंट नंबर टू कहा जाएगा जिसे और जिसका नाम है करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन चलिए आपको ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंतर्गत करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटीज का होता है तो ये जो डिस्कशन हम करेंगे इसमें वी विल हैव टू बेसिकली टॉक अबाउट व्हाट what do we mean by current assets and what do we mean by non-current assets and accordingly we will talk about what is current liability and what is non-current liability there is no current or non-current classification for equity or capital सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटीज के लिए है इक्विटी कैपिटल रिड्यबल प्रिफरेंशियर कैपिटल कैपिटल है तो उसमें कोई करंट नॉन करंट नहीं हो कैपिटल में ही शो होगा अब हाउ डू आई डिटरमाइन एज टू व्हाट इज अ करंट सेट एंड व्हाट इज अ नॉन करंट सेट बेसिस क्या होता है इसका चलिए आई होप चलिए सब लोग मौजूद है जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्कार नमस्ते चलिए आई होप एवरीथिंग इज फाइन सब कुछ दिख रहा है कूल लुक्स गुड अब ये जो डिस्कस कर रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों और बहुत ही होले होले स्टेप बाय स्टेप अपन आराम से आगे बढ़ेंगे पर हमारे प्रोविजंस हमें एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सबसे पहले अपन अपना डिस्कशन शुरू करते हैं करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स से वॉट इज अ करंट सेट तो ये जो भी मैं यहाँ पे आपको नोट्स में लिखाऊंगा ये सब आपको आपकी ब्रह्मास्त्र में लिखा हुआ मिलेगा तो सर यहां पर क्यों लिख रहे हैं अभी आप लिखिए मैं उसका लॉजिक भी आपको समझाऊंगा अपनी कॉपी अपने आप में कंप्लीट होगी दोस्तों ब्रह्मास्त्र हमारे लिए क्या एक एडिशनल टूल है जिसमें हमारे पास और बेहतरीन डिटेल्स होंगी जिसे कैसे यूज करना है मैं आपको समझाऊंगा तो अभी आप अपनी कॉपीज में नोट करिए करंट असेट को कहाँ डिफाइन किया गया है तो जनरल इंस्ट्रक्शन पैरा वन इनफैक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं करंट असेट इज डिफाइंड एज पर पैरा वन ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन टू बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल थ्री डिविजन टू ध्यान रखना ये नॉट फॉर एग्जाम्स है यानी कि दिस इज बेसिकली फॉर योर ज्ञान एग्जाम में कभी आपको इंटर में एसएच ये सब कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या डिफाइन किया है इट्स इज असैट इज क्लासिफाइड एज करंट इफ कैसेट को क्लासिफाई करेंट कब किया जाएगा अगर इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंडेड टू बी सोल्ड Or consumed within companies' normal operating cycle. <clears throat> इसे अपन क्लासरूम डिस्कशन के लिए रूल वन कहेंगे एग्जाम में आप ऐसे रूल वाइज मत लिखिए ना एग्जाम में आपको पॉइंट लिखना है बस सेकेंड इज हेल्ड प्राइमरिली फॉर ट्रेडिंग थर्ड Is expected to be realized within twelve months after the reporting period, or it is a cash or cash. Equivalent, unless it is restricted from being used or from being encashed or used to settle a liability for more than 12 months after the reporting date. this is rule 2, 3 and 4 for a classroom discussion. or yes, are the rules ईदर और है और इसे हम क्या क्लासिफाई करते हैं दिस इज योर डेफिनेशन फॉर करंट सेट और कहा गया है कि असेट दैट इज नॉट अ करंट सेट इज क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट सेट सीधी सी बात है भैया या तो असेट करंट होगा या नॉन करंट होगा तो जो करंट नहीं हा, 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 है वो नॉन करंट ही होगा क्या सी बात करिए ये आपके कुछ रूल्स हैं और ये मैं डाल देता हूं आपके बोर्ड नोट्स में अपडेट कर देता हूं लाइव बेसिस पे आप इसका लुफ्त उठा सकते हैं चलिए बढ़िया चल रहा है अब इसको एक एक करके समझते हैं सबसे पहले चालो और, रूल से और का मतलब इदर। इदर और इसका मतलब किसी भी एक में अगर आप फस गए फंसना कहना सही नहीं होगा क्यों क्योंकि कोई असेट करंट असेट हो रहा है तो खुशी की बात है तो अगर आप इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर रूल में कवर हो गए तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप करंट असेट है आप चारों रूल में किसी में कवर नहीं हो रहे हो तब जाके आप नॉन करंट असेट क्लासिफाई करेंगे आपको हम क्यों पढ़ रहे हैं करंट नॉन करंट असेट क्योंकि हमने देखा था बैलेंस शीट के फॉर्मेट में असेट्स को करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई किया जाता है इसलिए हमें एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज करंट में जाएगी और कौन सी नॉन करंट इन चारों रूल्स में अगर आप देखोगे तो आप ये ले लीजिए कि रूल नंबर थ्री एक जेनरिक रूल है विच इज एप्लीकेबल एंड रेलिवेंट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ असेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज तो अगर अब अपन इसमें फर्दर नोटिंग करें और ये सब अपने एक्सप्लेनेशन का पार्ट हो गया तो आई वुड से कि ये जो रूल है दिस इज ओनली रेलिवेंट फॉर तो रूल थ्री इज रेलिवेंट फॉर एनी असेट Rule 2 is specifically made for inventories only. The first rule is only relevant for operating assets or assets basically that are part of the operating cycle.

प्रीपेड एक्सपेंसिस फॉर बिजनेस इवन से तो अब आपने क्या करना है जब भी आपके सामने दोस्तों सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले यह सोचना है कि यार ये करंट असेट है क्या जब आप ये सोचोगे की ये करंट असेट है क्या तो आपको यह सोचना है कि अगर रूल लगाऊं तो कौन सा रूल लगेगा नॉर्मली सुझाव यह है कि आप सबसे पहले तो रूल थ्री सोच लो क्योंकि रूल थ्री सारी आइटम्स पे लगता है अगर रूल थ्री के अंतर्गत वो करंट हो रहा है तो और आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और अगर रूल थ्री नहीं लग रहा है तो फिर आप देखिए वो नेचर ऑफ आइटम क्या है एंड डिपेंडिंग ऑन दैट नेचर ऑफ आइटम आप डिसाइड करिए कि उसके ऊपर बचे हुए में से कौन से रूल लगेंगे रूल टू और रूल फोर बहुत ही स्पेसिफिक यानी क्वेश्चन के आपको समझ में आ जाएगा ये लगाना है या नहीं लगाना है, ये इसका है या नहीं है जैसे कि आप देखो स्पेसिफिकली इन्वेंट्री को इंस्टीट्यूट ने कह दिया है कि भैया इंस्टीट्यूट ने मतलब सर ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का शेड्यूल इसमें शेड्यूलिए कहां से आ गया और वाह क्या सवाल पूछा है तुमने बहुत शा, बहुत बढ़िया बेटा तुम तो सुनने के साथ साथ दिमाग भी चला रहे हो शाबाश इंस्टीट्यूट ने कह दिया सर इसका मतलब क्या है तो दोस्तों ये जो शेड्यूल थ्री वन माने इसके ऊपर आईसीआई ने गाइडेंस नोट दिया है गाइडेंस नोट वो क्या होता है सर बेटा आईसीआई आए, जब किसी चीज को अनिवार्य रूप से आपको कहता है कि इसको ऐसे ही अकाउंट करना है

तो अभी यू समझना कि ये जो बातें अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं ये कंपनीज एक्ट के शेड्यूल थ्री के जनरल इंस्ट्रक्शन में नहीं दिए हैं उन्होंने तो ये चार पॉइंट दे दिए और आगे बढ़ गए और बोला अब तुम इंटरप्रेट करते रहो पर अकाउंटिंग के मैटर में इंटरप्रेट करने का अल्टीमेटली बोझा किसके कंधे पर है आईसीआई के तो आईसीआई ने जारी किया एक गाइडेंस नोट ऑन शेड्यूल थ्री एज बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उस गाइडेंस नोट में जो बातें करी है वो बातेंशन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे गाइडेंस तो नोट में कहा है कि इन्वेंट्रीज इन ऑल केसेज विल बी करेंट ये क्लियर हो गया इन्वेंट्रीज आर ऑलवेज करंट Whether the inventories of raw material or work in progress or finished goods or even spares which are classifiable as inventory. Normally spare part वगैरह में अगर लाइफ एक साल से ज़्यादा होती है तो फिर उसे अपन पीपी -पी के अंतर्गत ले जाते हैं और लाइफ अगर विद इन 1 ईयर होती है तो वो इन्वेंटरी में आता है तो इसी ने क्लेरिफाई कर दिया भैया एग्जाम में आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं आई से क्लेरिफाईज आप सीधा लिख सकते हो कि ऐसा होता है <coughs> चाहो तो गाइडेंस नोट का रेफरेंस दे दो पर अपने कोर्स में गाइडेंस नोट नहीं है इसलिए रेफरेंस दे नहीं तो सर पढ़ क्यों रहे क्यों क्योंकि, क्योंकि करंट नॉन करंट अपने कोर्स में शेड्यूल थ्री का फॉर्मेट भी आपके कोर्स में हालांकि आपके अकाउंटिंग पेपर वन का पार्ट है पर अपन पेपर फाइव में इसलिए कवर कर रहे हैं कि वहां अगर कहीं कोई लूज एंड्स रह गए हो तो यहाँ कवर हो जाए तो ये बात तय हो गई कि इन्वेंट्री हमेशा करंट है और इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स स्पेयर पार्ट जो इन्वेंट्री क्लासिफाई होती है मोर ऑन दैट वेन वी स्टडी लेट्स पीपी पी जो आपने ग्रुप वन में पढ़ा होगा तो अगर वो इन्वेंट्री क्लासिफाई हो रही है तो वो हमेशा करंट है तो अगर आपको कभी प्रस्थान करने के लिए ऐसा सवाल दे दिया जाए कैसा सवाल तो लेट मी आस्क यूर क्वेश्चन लेट्स सी इफ यू आर ऑलरेडी यहां पे मैं आपके सामने एक बोल रख रहा हूं कंपनी हैज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लाइंग इन स्टॉक सिंस लास्ट थ्री ईयर्स वेदर इट इज स्टिल क्लासिफाइबल एज अ करंट सेट क्वेश्चन यह है कि हमारे पास तीन साल से इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स का स्टॉक रखा हुआ है क्या इसे अभी भी मैं करंट असेट क्लासिफाई करूं या ये नॉन करंट अट हो जाएगा लेट्स सी स्टूडेंट्स हैव टू से और यहां पे मैं आपके सामने पोल दे रहा हूं और ये गई पोल सीधे आपके चैट बॉक्स में तो यहाँ पे चैट बॉक्स में आप देखेंगे तो यू कैन ओपन द पोल यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन सी वॉट इट इज कंपनी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लाइंग इन स्टॉक सिंस लास्ट थ्री इयर्स हाँ वेदर दिस इज क्लासिफाइबल एज करंट सेट्स ये पूछा है मैंने <coughs> और ऑप्शन दिए हैं येस इट इज अ करंट डेसेट नो इट इज नॉट अ करंट डेसेट मैं टिक करता हूँ

क्यों हटा दीजिए दिमाग से फॉर द सिंपल रीजन कि आप अभी तक सोचते हो बारह महीने में जो इनकैश होगा वो करंट और बाकी नॉन करंट तो दोस्तों आप सोच रहे हो मन में लिक्विड और इन जबकि क्वेश्चन है करंट और नॉन करंट हाँ किसी ने बोला सर विंडोज पे लैग आ जाता है टेलीग्राम पे तो नो प्रॉब्लम विंडोज का लैग का हमने सोल्यूशन मैंने ऑडिट की क्लास में बता दिया था वो कल से मिल जाएगा आज के लिए अपन भले वहां पे यूज कर लेंगे एक चीज ध्यान रखिए अगर लैग आया है आपका क्योंकि पोल्स जितने समय तक अटम्प करोगे उतने समय वीडियो रुक जाता है आपका तो आप बाहर जाके वापस अंदर आ जाइए तो आप एकदम लाइव टाइमिंग्स के साथ मैच कर लेंगे चलिए किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया दीपेश शाबाश यस करंट असेट्स और नोट्स टू अकाउंट्स में हम इन्फॉर्मेशन ये शो करेंगे कि ये ट है करंट पर लिक्विड नहीं है क्योंकि ये बारह महीने से ज्यादा हो चुके हैं रियलाइज नहीं हुआ है बहुत बढ़िया वेरी गुड दिस इज समथिंग वी कॉल एज फेयर प्रेजेंटेशन बेटा तो ये बात क्लियर हो गई कि इन्वेंट्री किसी भी फॉर्म की हो कैसे भी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे आपका आंसर क्या होगा कि इन्वेंट्री करंट होगी ये बातों ही बातों में अपन ने रूल टू डिस्कस कर लिया है अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स पे आते हैं विच इज रूल वन एंड रूल थ्री वन क्या कहता है अगर कोई चीज आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज कंज्यूम या सेल होने की एक्सपेक्टेशन या इंटेंशन है तो आप उसे करंट क्लासिफाई करो तो इसका मतलब यह हुआ कि रूल वन का रेलिवेंसिप कौन सी आइटम्स के लिए जो ऑपरेटिंग साइकिल में यूज होती है तो अब इस पूरे डिस्कशन को दो मिनट के लिए चलो अपन होल्ड पर डालते हैं और अपन समझते हैं वॉट डू वी मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल आइए बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं अभी मैं पूरा ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पढ़ रहा एक छोटा सा डिस्कशन लिखते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर डिटेल में इसको डिस्कस इस बाद में करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली इज व्हाट इट इज बेसिकली द टाइम टेकन फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ असेट्स फॉर प्रोसेसिंग पर्पस। यहाँ पे असेट मतलब पीपी फिक्स असेट नहीं है असेट मतलब रॉ मटीरियल गुड्स इन्वेंटरीज़। टाइम फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ असेट्स फॉर प्रोसेसिंग टिल देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्वी इसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं अब मैं आपको इसके पीछे लॉजिक समझाता हूं देखो बातों ही बातों में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि करंट और लिक्विड के बीच में एक फर्क होता है लिक्विड यानी रूल थ्री जो बारह महीने में रियलाइज होने वाला है उसे आप लिक्विड कह सकते हो पर करंट में इसके अलावा तीन और रूल्स है जिससे कोई चीज करंट बन सकती मतलब है भले वो लिक्विड नहीं। मूविंग बोले तो एक कंपनी है जिसका काम है लेट्स फॉर एग्जांपल घर बना बना के बेचना होता है ऐसी कंपनियां होती सुनी होगी आपने फॉर दैट मैटर है ये क्या करते हैं ये टाउनशिप्स डेवलप करते हैं पूरी की पूरी और वहां पे घर इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग फ्लैट बनाते हैं और उन्हें बना के फिर ये क्या करते हैं इसको आगे सेल करते हैं। मुझे बताओ बात क्या आपको लगता है कि एक टाउनशिप बनाने में बारह महीने उससे कम का समय लगता होगा सवाल ही नहीं उठता जमीन खरीदने के बाद अप्रूवल होता है अप्रूवल के बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तीन तीन चार चार पांच पांच साल लग जाते हैं लोगों को वहां पर रहने के लिए लाने तक अब आप समझिए कि हमारी कंपनी का एक नॉर्मल साइकिल है कि यार चार साल के पीरियड में एक जगह एक प्रोजेक्ट शुरू होने से लेके उसको पूरा बेच के उसके जो पैसे रिकवर करने का प्रोसेस है उसमें चार साल लग जाते अब आप एक चीज बताओ मुझे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया एक जमीन खरीदी जहां पे मैं क्या करूंगा बिल्डिंग्स बनाऊंगा मैंने सीमेंट खरीदी सरिया खरीदा वो सब वहां पर रख दिया है जिससे मैं क्या करूंगा आई विल क्रिएट बिल्डिंग्स आप बताइए क्या ये अभी बारह महीने में इनकैश होने वाली है नहीं इसको तो रिकवर होने में चार साल लगेंगे क्या मैं इसे नॉन करंट मान लू ऐसे तो इस पर्टिकुलर कंपनी में सा सारी चीजें नॉन हो जाएंगी। तो इसके लिए शेड्यूल थ्री ने कहा है कि नहीं जिन कंपनियों के नॉर्मल बिजनेस के एक साइकिल का ड्यूरेशन ही चार साल है उसके लिए उस साइकिल में यूज होने वाली जितनी भी उसकी ऑपरेटिंग नेचर की एसेट है वो सब अगर चार साल में रियलाइज हो जाएगी रियलाइज छोड़ो अगर वो चार साल में सेल भी कर दो आप या आप कंज्यूम भी कर लो तो मानेंगे कि भैया वो ऑपरेटिंग साइकिल में रोटेट हो रही है यानी वो अपने आप में एक करंट आइटम है चलित संपत्ति है चल रही है मूविंग है यूजेबल है यानी कि रोटेशन में है एक तरह से ये स्टक नहीं हो तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि जो पहला रूल है दैट इज नथिंग टू डू विद विद मंथ्स इट इज टू ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल ऑब्वियसली बात है हर कंपनी या बिजनेस का अलग अलग होगा ये क्या होता है दिस इज बेसिकली टाइम फ्रॉम टेकिंग द द एक्वायरिंग टिल कन्वर्टिंग इट इनटू कैश इसका मतलब क्या है लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में आपने सोचा कि अपन कोई बिजनेस शुरू करते हैं आपके मन में क्या ख्याल आया क्या बिजनेस शुरू करने की आपकी इच्छा है कोई भी बिजनेस पिक कर लीजिए आप, आपने सोचा कि यार अपन ये बिजनेस शुरू करेंगे तो आ, ओके चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपने बोला चलो अपन गारमेंट्स का ही बिजनेस शुरू करते हैं भैया तो हम क्या है हमारे कपड़े हम स्टिच कराते थे कहीं से और एक से एक कपड़े स्टिच कराते थे एकदम आप यूज मान लीजिए कि पूरे भारत शहर में हमसे ज्यादा डिजाइनर कपड़े अगर कोई पहनता है तो वो सिर्फ जीठा लाले और कोई और हमारे यार दोस्त तो बड़ी तारीफ करते थे बोले यार क्या बात है एक नंबर नंबर कपड़े तो हमने हमारा बोला खोलो पब्लिश जाएंगे पर मैंने बोला यार अभी तो मैं क्या करता था अपने लिए कहीं से कपड़ा लेके आ जाता था बल्क में लाना पड़ेगा तो मैंने सबसे पहले क्या करना है मैं गया और जहां से मैं कपड़े लाता था मैंने उसको बोला कि यार भाई सुन मुझे है ना एक सौ मीटर कपड़ा चाहिए वाइट शर्ट का उसने बोला अरे बाबरे इतना सरा ये तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा ऑर्डर करूंगा फिर आएगा मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई ऑर्डर कर ले थोड़ा एडवांस भी रख ले तो एक लीड टाइम लगेगा ऑर्डर करने का ये लीड टाइम भी ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है तो उसने कहा कि भाई एक महीने में आ जाएगा मैंने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं एक महीने बाद उसने कपड़ा डिलीवर कर दिया अब मैं उसको स्टिच करा करा के उसके शर्ट बनाऊंगा इसमें मुझे दो महीने लग गए ये दो महीना मेरा प्रोसेसिंग टाइम है विच इज फ्रॉम रॉ मटीरियल टू फिनिश फिन ये भी ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट हो गया अब इसके बाद मैंने बोला कि भैया आप इसको मार्केट में पब्लिश करते हैं क्योंकि अब हमारे पास स्टॉक रेडी हो गया है क्योंकि अमेजॉन वगैरह पे बेचने में वो लोग पहले बोलते हैं कि आपका स्टॉक होना चाहिए ऐसा नहीं आप बेच दो और बाद में बोलो कि यार अरे स्टॉक आउट हो गया इमेज हमारी खराब होती है तो उसके बाद मैंने बेचना शुरू किया और यूं समझ लीजिए दोस्तों तो की बेचने में मुझे तीन महीने लग गए तो ये तीन महीने भी ऑपरेटिंग साइकिल में एड हो गया अच्छा अमेजॉन की पॉलिसी है कि भैया नया सेलर है तो उसका जो भी माल बिकता है उसको बेचने के हम फोर्टी फाइव डेज बाद पेमेंट करते हैं तो ये फोर्टी फाइव डेज भी ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट बन गया यानी यू समझ लीजिए कि जिस दिन मैंने ऑर्डर दिया था उस दिन से लेके मेरा पूरा एक साइकिल कंप्लीट होके पैसे इन कैश करने का जो टोटल ड्यूरेशन है इसे बोलते बेटा ऑपरेटिंग साइकिल तो ये कितना हो गया वन मंथ प्लस टू मंथ प्लस थ्री मंथ प्लस फोर्टी फाइव डेज यानी कि टोटल सेवन

उसने बोला यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं पर प्रॉब्लम ये है कि वो जो गोल्डन वाले कपड़े का मैंने एडवांस दिया है वो कपड़ा आएगा ही आठ महीने बाद उसने बोला ये ऑन या ऑर्डर बनेगा और आएगा ही आठ महीने बाद तो सबसे पहली बात बताओ मेरी बुक्स में सेट क्या आ रहा है एडवांस टू सप्लायर दूसरी बात यहाँ पे गुड्स कितने समय बाद आएंगे आठ महीने बाद क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब रूल वन के अनुसार ये एडवांस टू सप्लायर करंट नहीं होगा ये करंट नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल के बिहार अब आप इसके ऊपर बाकी के रूल लगा लो रूल टू लगेगा क्या नहीं इन्वेंट्री आ गई होती तो रूल टू लगता ये सिर्फ एडवांस है तो रूल टू नहीं लगेगा Rule three, is it expected to be realised within 12 months after the reporting period? ओह oh, ये तो लग गया सर कैसे लग गया? क्यों क्योंकि सर 8 महीने में आ रहा है यानी यहाँ पे तो 12 महीने की कंडीशन है ऑपरेटिंग साइकिल आपका 7 सात पर ये तो 12 की कंडीशन है यहाँ पे 12 मंथ्स में आपको ये नहीं बोला गया एक्सपेक्टेड टू तो बी रिसीव्ड इट इज सेड रियलाइज रियलाइज का मतलब इन कैश तो आप बताइए रियलाइज का मतलब यहाँ पे है अगर इनकैश तो क्या ये इनकैश हो जाएगा क्या बारह महीने में नहीं सर इनकैश तो नहीं होगा तो क्या होगा बेटा सर ये तो आठ महीने में रिसीव होगा फिर उसके बाद एक महीने बनाने में लगेंगे उसके बाद दो महीने हमको प्रोसेस करके बेचने में लगेंगे फिर उसके बाद हमारे पास तीन महीने में सेल होगा फिर फोर्टी फाइव डेज में रियलाइज होगा तो इसका मतलब रियलाइज होने में तो और लंबा समय लगेगा तो इसका मतलब ये इसके हिसाब से भी करंट नहीं है तो ये एडवांस टू सप्लायर नॉन करंट असेट क्लासीफाई होगा

तो अगर सात महीने के अंदर आप इसे रिसीव करके कंज्यूम करने में डाल दोगे प्रोसेस में तो भी इसे करंट मानेंगे क्योंकि मांगे पर आप ऐसा कहते हो कि नहीं रॉ मटेरियल आने के बाद हम कम से कम दो महीने रखते हैं उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको कहना पड़ेगा कि अच्छा रिसीव सात महीने और दो महीने कंजम्पशन के तो नौ महीने हो गए नौ ऑपरेटिंग साइकिल मंथ्स तो रूल वन में तो ये करंट नहीं हो रहा फिर आपको देखना है क्या बारह महीने में बिक के रियलाइज हो जाएगा इनकैश हो जाएगा अगर ऐसा है तो रूल थ्री में करंट हो जाएगा नहीं तो ये करंट नहीं होगा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है रूल वन में आपको जो चेकिंग करना है दिस इज टू बी चेक फ्रॉम द ट्रांजैक्शन डेट जिस दिन आपका असेट आया है बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है जबकि रूल थ्री जो होता है इट इज बेसिकली 12 ट्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट रिपोर्टिंग डेट रिपोर्टिंग डेट यानी बैलेंस है आप कोई भी क्वेश्चन अगर हैंडल करोगे तो बड़ी सावधानी के साथ आपको समझना पड़ेगा कि किसको करंट किसको नॉन करंट कैसे डालना पड़ेगा ठीक है चलिए कौस्तम ने सवाल पूछा है सर ऑपरेटिंग साइकिल इज डिसाइडेड Is that final? I mean, तो क्या वो हमेशा साढ़े सात महीने बोलाटिंग अभी नहीं पढ़ा रहा डिटेल में समझाऊंगा अभी ऑपरेटिंग साइकिल की इसलिए आप सवाल मत पूछिए अभी कवर कर लेंगे ऑपरेटिंग साइकिल पहले इसको कवर करने के बाद बट बहुत सारे सवाल हो सकते है क्या ऑपरेटिंग साइकिल चेंज हो सकता है क्या एक कंपनी की एक से ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है क्या अलग अलग ट्रांजैक्शन के अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल हो सकते हैं कभी ऑपरेटिंग साइकिल ना निकल पाए तो क्या होगा सर्विस सेक्टर का ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगा ये सारी बातें ऑपरेटिंग साइकिल में पड़ेंगे अभी आप ये समझो कि भैया जो ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चन में दिया है अपन वो मान के क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे <laughs> चलिए तो अब मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग केसेस रखता हूँ और इन केसेस को अपन एक एक करके हैंडल करने की कोशिश करते हैं एक बार मैं आपको इसको ब्रह्मास में भी दिखा दूं कि आपकी ब्रह्मास में ये सारी चीजें कैसे दी हुई है तो बैलेंस शीट करंट सेट जो चार रूल्स मैंने आपको बताए वो रूल्स यहाँ पे आपको इस तरह से बताए गए और कुछ केसेस हैं लेट एस केसेस हियर फ्रॉम ब्रह्मास्त्र चार्ज केस नंबर वन देखते हैं। एक जनवरी 2018 क्रेडिट सेल्स हुई इसका मतलब मेरी बुक्स में डेटर नाम का सेट आया कितने महीने के लिए सोलह महीने के लिए आया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया और मेरी कंपनी का क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑपरेटिंग साइकिल भी सोलह महीने सपोज ये क्वेश्चन का पार्ट है और आपसे आंसर में पूछा गया है कि बेटा बताओ इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा वेरी सिंपल डेटर मेरी बुक्स में असेट आया सोलह महीने बाद रियलाइज होगा और ऑपरेटिंग साइकिल सोलह महीने है, तो इसका मतलब ये रूल वन से बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से बियॉन्ड हो सकता है ज्यादा हो सकता है ऑफ हो सकता है कोई दिक्कत नहीं तो क्लासिफिकेशन हो गया इसका करंट लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स होता क्या क्वेश्चन पूछते हैं यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र वेरी नाइस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ से और अब आपका डेटर 16 महीने का है तो मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पंद्रह महीने का है पर मैंने किसी को माल उधारी पे पर ही जनवरी ही जब क्रेडिट सेल एक जनवरी ही तो हमने बोला डेटर से पैसा सोलह महीने बाद आएगा हाँ मैंने बोला सोलह महीने बाद आएगा तो देखा जाए तो इकतीस मार्च से मुझे इस डेटर से पैसा थर्टीन मंथ्स लेटर मिलने वाला है कैसे यार कैसे निकाला आपने अरे यार सर सोलह महीने का था जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने बीत गए तो सिक्सटीन में से तीन चले गए तो रिमेनिंग पीरियड थर्टीन मंथ हाँ, है <coughs> <Excuse me. coughs> तो रिमेनिंग पीरियड थर्टीन मंथ है तो अगर रिमेनिंग पीरियड थर्टीन मंथ्स है तो ये करंट हो गया ना सर क्यों क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल पंद्रह महीने का है और ये पंद्रह महीने के अंदर -अंदर राम का एक जनवरी को आया तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल उस तारीख से देखना है क्या ये इन ऑपरेटिंग साइकिल रियलाइज होगा अगर नहीं तो ये नॉन करंट एज पर रूल वन है अब आप बाकी के रूल लगाओ

मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल ट्वेल्व मंथ अब बताओ <laughs> अब बताइए क्या इस केस में मैं इसे 31 फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन ये मेरी बैलेंस शीट डेट है बेटा अच्छा मैंने ये बताया नहीं आपको ओ माय गॉड करंट नॉन करंट के क्लासिफिकेशन का रेलेवेंस कब है जब आप बैलेंस शीट बनाओगे मतलब मेरे भाई मेरे दोस्त जर्नल एंट्री करते समय अपन थोड़े ना लिखते हैं करंट डेटर नॉन करंट डेटर ये तो सिर्फ जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तब अपने को बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट या करंट असेट कहाँ डालना है ये डिसाइड करना है तो अल्टीमेटली आप समझ लिए ना कि 31 मार्च को ही अपने को करंट नॉन करंट का कर डिसीजन लेना पड़ता है तो ये बात अलग है कि अगर आंसर आप उसे बोल रहा है इकतीस मार्च दो हजार अठारह को ये करंट है या नॉन करंट है तो उसके लिए आपको चार रूल लगाना है और रूल लगाने में जो रूल वन है उसमें आपको जिस दिन आपकी बुक्स में असर्ट आया था उस दिन से चेकिंग कर तो आप देखिए इस एग्जाम्पल में केस थ्री में रूल वन बोलता है कि क्या आपका सेट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज होगा तो मैं बोलूंगा नहीं ये थर्टीन मंथ्स में रियलाइज होगा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ट्वेल्व मंथ्स है क्योंकि रूल वन में ऐसा नहीं लिखा है इज योर यट एक्सपेक्टेड टू तो बी रियलाइज विद इन ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द दे रिपोर्टिंग डेट क्या लिखा है विद इन ऑपरेटिंग साइकिल तो जिस दिन असेट आया था थर्टीन मंथ्स का था ऑपरेटिंग साइकिल ट्वेल्व मंथ से ये नॉन करेंट हो गया एज पर रूल वन टू लगेगा नहीं फोर लगेगा नहीं थ्री पे आ जाओ थ्री बोलता है बैलेंस शीट डेट से क्या ये बारह महीने में रिकवर होने वाला है हाँ हो जाएगा कैसे हो जाएगा आप देखो फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन को क्रेडिट सेल हुई और मैंने उसको क्रेडिट पीरियड कितने का दिया ये थर्टीन मंथ ये सब क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे ये क्रेडिट पीरियड है बेटा थोड़ा तो समझ भी जाओ मैंने डेटर को तेरह महीने का क्रेडिट दिया है तो आप बताइए एक जनवरी को किसी को तेरह महीने की उधारी दे रहे हो तो इकतीस मार्च से कितने महीने बाकी हैं पैसे रिकवर करने के तो टेन मंथ्स लेफ्ट यानी कि बैलेंस शीट डेट से अगर हम देखें तो इट इज लेस देन मंथ्स एंड हेंस इन दिस केस आई कैन से दैट एज पर रूल इसे हम करंट क्लासिफाई करते हैं बहुत बढ़िया तो ये करंट क्लासिफाई हो जाएगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन पे एंड गोइंग टू बी रूल थ्री ठीक है दोस्त तो इस तरह से आपको इसको हैंडल करना पड़ता है बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आ, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए मैंने एक सवाल दे दिया यहाँ पे एक जनवरी 2018 को मैंने एक मशीन खरीदी है दोस्तों जिसकी 15 महीने की लाइफ है और पंद्रह महीने और ऑपरेटिंग साइकिल भी पंद्रह महीने है तो इसका क्लासिफिकेशन क्या, तो क्या होगा तो भी नॉन करंट क्यों मेरे दोस्त मेरे यार रूल वन इज नॉट एप्लीकेबल क्यों बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग असेट, असेट, इट फिक्स से समझ में मतलब आप क्या कह रहे हो अब मैं ज्यादा एग्जांपल्स पे नहीं जाता पहले आपको थोड़ा फंडा समझाता हूँ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ देखिये <coughs> रूल वन से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताता हूं मैं रूल वन में क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको वन इट इज ओनली रेलेवेंट फॉर ऑपरेटिंग असेट्स एंड नॉट फॉर अदर असेट्स कैसी अदर असेट्स लाइक Loans, <laughs> property plant इक्विपमेंट <equipment>, intangible assets इन्वेस्टमेंट्स, <coughs> अनलेस आपकी कंपनी है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो बात अलग है इन सब के लिए नहीं बनाएंगे ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए टू चेक व्हेन हैसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स Whether it is expected to be realized or just sold or consumed, anything within the company's normal operating cycle. If so, then current. Else it is not current. एज पर दिसवेज रिमेंबर असेट्स लाइक पीपी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन सब के लिए कभी भी इसका कोई रेलिवेंस नहीं इट हैज नो रेलिवेंस वेलिवेंट है अब मैं रूल थ्री लिखता हूं आपके लिए रूल थ्री में आपको चेक क्या करना है तो <laughs> चेक वेदर अ सेट विल बी Realized in cash, and if so, then check whether it will be encashed within 12 months from the balance sheet date, then it will be current asset. Else, non current. This is basically relevant only for those assets that will be engaged. Hence, it is never relevant for PP intangible assets advance to suppliers prepaid expenses as these are not realized in cash तो क्योंकि ये चीजें कभी इनकैश होती नहीं है क्यों इन नहीं होती सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप इनकैश नहीं होती लाइक like क्यों आ रहा है ah. Sorry. क्योंकि ये चीजें इनकैश होती नहीं है दोस्त क्यों नहीं होती सर आप बताइए क्या आपने मशीन खरीदी है तो आप उसे कैश करोगे आप उसे यूज करोगे उससे गुड्स बनाओगे तो सर गुड्स इन कैश होंगे ना तो जब गुड्स की बात हो तो अपन करंट नॉन करंट में सोचेंगे ना इनफैक्ट गुड्स बेचेंगे फिर डेटर बनेगा डेटर इन कैश होता है तो इसके लिए लॉजिक क्या है लॉजिक आपको ये नहीं सोचना है कि भैया इससे क्या इससे क्या इससे क्या आपको ये सोचना है ये या नहीं तो हाँ गुड्स अगर बनते हैं तो गुड्स तो अपने आप में हमेशा ही करंट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वो चीज जिससे गुड्स बनने वाले हैं वो भी करंट हो गए आप जिस असेट को बैलेंस शीट में दिखा रहे हो वो असेट का क्या रूप है उस पर आपको डिसीजन लेना है तो आज 31 मार्च पे आपकी जीट में तो रूल वन लगेगा, पर थ्री लगेगा ही नहीं क्यों नहीं लगेगा क्योंकि एडवांस टू सप्लायर से आगे जाके आपको कैश नहीं मिलने वाला है एडवांस टू सप्लायर से आगे जाके आपको गुड्स मिलने वाले हैं तो अगर आपको लगता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर वो गुड्स कंज्यूम हो जाएंगे जो एडवांस टू सप्लाई दिया उससे जो गुड्स मिलेंगे वो कंज्यूम हो जाएंगे तो करंट नहीं तो नॉन करंट तो इसके लिए आईसीआई ने क्लरिफाई किया है कि रूल थ्री सभी लग, तभी लगाइएगा जब जिसमें आपको कैश मिलने वाला है तो ये किस पे लगेगा किस तरह की चीज़ों पे डेटर्स पे लगेगा इन्वेस्टमेंट्स पे लगेगा इस टाइप के एसेट्स पे जो इन कैश होती है पर ये किन पर नहीं लगना चाहिए जितने भी तरह के आपने एडवांस दिए हैं जिसके बदले में आपको कोई गुड्स या सर्विस मिलने वाली है ना कि पैसा मिलने वाला है किसी भी तरह की इंटेंजिबल या टेंजिबल जिसको आप यूज करते हो बिजनेस में ना कि बेचने के लिए रखते हो तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बढ़िया थर्टी मार्च ट्वेंटी कंपनी हैज अ Machine with remaining life of nine months. Whether it is a current asset, the answer is no, as it is currently a property plant equipment and hence it is not held. Foreign cashing, but held for using. Hence, so it is not current asset in either of the four rules. Honestly speaking, this rule one bini lagega, 2 bini lagega, 3 bini lagega, 4 bini lagega थ्री इसलिए नहीं क्योंकि एन कैश नहीं होगी वन इसलिए नहीं क्योंकि ऑपरेटिंग आइटम नहीं है टू इसलिए नहीं क्योंकि इन्वेंटरी नहीं है फोर इसलिए नहीं क्योंकि ये कैश नहीं है तो इसको आपको नॉन करेंट ही क्लासीफाई करो तो इसके बेसिस पे कुछ जनरलाइजेशन हैं जो बनाए जाते हैं आप नोट कर रहे होंगे उसको तो इसको छोटा कर देता हूँ वॉट आर दीज जनरल आइटम्स जनरलाइजेशन नेचर ऑफ एजेट्स और करंट सेट या नॉन करंट सेट तो नंबर वन इन्वेंट्री दिस इज करंट सेट ओनली वेदर इट इज ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स एक्सेट्रा किसी की भी हो इट विल बी करंट सेट ऑलवेज नंबर वन नंबर टू कैश एंड कैश इक्वलेंट करंट असेट ऑलवेज अनल इट इज रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्ट कर रखा है इसको तो बात अलग है वो अभी अपन डिस्कस करते हैं अदरवाइज ये हमेशा करंट अट स्पेसिफिक पॉइंट देन पीपी इंटेंजिबल असेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट ये हमेशा नॉन करंट असेट्स होंगी भले ही इसकी लाइफ ऑपरेटिंग साइकिल से कम ज्यादा हो रिमेनिंग लाइफ बारह महीने से कम ज्यादा हो कुछ भी हो कैपिटल एडवांस वॉट इज कैपिटल एडवांस दिस इज बेसिकली एन एडवांस टू एक्वायर अ कैपिटल असेट तो इससे आगे आपको क्या मिलने वाला है कैपिटल असेट तो रूल वन नहीं लगेगा क्योंकि ऑपरेटिंग आइटम नहीं उत्तर ही नहीं लगेगा क्योंकि आपको जो मिलने वाला है वो कैश नहीं है कोई आ, मशीन है या सेट है जो आगे आप यूज करोगे बेचोगे नहीं तो ये भी हमेशा नॉन करेंट अट ही एडवांस टू सप्लायर प्रीपेड एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड रिसीवेबल्स लोन गिवन ये सब चीजें दोस्तों करंट और नॉन करंट दोनों हो सकती है करंट और नॉन करंट डिपेंड्स ऑन रूल वन एंड थ्री जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है ऑपरेटिंग असेट से रिलेटेड और नॉर्मल कोर्स में जो एक्सपेंस कर रहे हो तो रूल वन भी लग सकता है अदरवाइज थ्री लगेगा ट्रेड रिसीवेबल पे वन और थ्री दोनों लग सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट से अगर नॉर्मल आपका बिजनेस नहीं है इन्वेस्टमेंट का तो फिर रूल थ्री ही लगेगा लोन गिवन नॉर्मल बिजनेस नहीं है तो रूल थ्री लगेगा इस तरह से आपको बहुत ही ध्यान से सोचना होगा इनफैक्ट सही बताऊ ना तो मैंने बातों ही बातों में आपका काम थोड़ा आसान कर दिया एग्जाम में जैसे ही आप कोई क्वेश्चन देखते हैं अब आप बहुत इजीली क्या कर लो अगर वो क्वेश्चन में कैपिटल एडवांस या नॉन करंट सॉरी पीपी इस तरह की कोई चीज़ है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो ये नॉन करंट ही होगा इन्वेंट्री है आंख बंद करके बोल दो करंट ही होगा पर उसी की बजाय अगर असेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटिसबल है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये करंट है या नॉन करंट और उसके लिए फिर ये जो रूल्स मैंने आपको दिए हैं ये आपके काम आएंगे तो आई होप आपको रूल वन टू और थ्री ये तीन रूल कवर हो गए हमारे रूल फोर का डिस्कशन थोड़ा सा बाकी है वन टू और थ्री अब आपको क्लियर होना चाहिए आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू हालांकि इसके ऊपर अब मुझे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने की चाहत है और अगर आप आदेश दें तो मैं पूछता हूं तो दोस्तों बताइए क्या आप तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए आर यू रेडी लेट्स एग्जांपल्स आर यू रेडी ऑन तेरा महीने वाला समझ में आ गया दिवेश को शायद ओके सर नोट कर रहे थे नोट करना है ये लीजिए नोट कर लीजिए गूगल ड्राइव पे भी डाल देते इसको ये नोट एक करोड़ का है क्या अरे यार क्या ज्ञान की कीमत है चलिए वो ज्ञान जो आपका समय बचाए और आपको दूसरों से आगे ले जाए वो बेश है Let's come to a few examples. Are you ready? Some people do say yes. Noise. Chaliye example Question number one. <clears throat> Loan given to employee. फॉर फाइव ईयर ध्यान रखना मैंने लोन लिखा है एडवांस नहीं लिखा लोन गिवन टू एम्प्लॉय फॉर फाइव ईयर्स और फिफ्टी लाख रिपेबल टेन लाख पर एनम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर क्लासीफाई करो क्लासीफाई करिए Come on guys. क्या बोलते हो तो इसके ऊपर लगेगा रूल थ्री रूल थ्री कहता है रिपोर्टिंग डेट करंट तो मैं बोलूंगा टेन लाख इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज ट्वेल्व मंथ्स फ्टर द रिपोर्टिंग पेट करंटेट बैलेंस फोर्टी लाख नॉन करंटेट इससे आपको एक चीज और समझ में आ गई कि एक असेट के दो क्लासिफिकेशन भी अलाउड है एक पार्ट करंट में और एक पार्ट नॉन करंट में जा सकता है मैंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि असेट पूरा या तो करंट होगा या पूरा का पूरा नॉन करंट So you can do this uh, classification. No problem with that. Bin das kar okay. sakte ho ap aisa. Prepaid insurance premium for three years thirty thousand. Classify if operating cycle is one year, twelve months. So answer rule one. I'm calling it ten thousand prepaid insurance is current asset, and the balance twenty thousand is non-current asset. Why ten thousand current? As it is estimated to be consumed They're estimated to be consumed in the company's normal operating cycle as <clears throat> बढ़िया आ रहे हैं जवाब आ रहे हैं शानदार नाइस तो इस केस में दस हजार करंट और बीस हजार नॉन करंट सर ये तो पैसे मिलने ही नहीं वाले हैं तो करंट क्यों ऑपरेटिंग साइकिल के कारण रूल वन के कारण क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो कंज्यूम होगा तो कंज्यूम होने वाला जरूरी नहीं है गुड्स हो सर्विसेज भी कंज्यूम हो से तो इसलिए वो करंट और बाकी नॉन करंट अगला एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये क्या होता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो हमने उस समय कुछ खर्चे किए फिफ्टी थाउजेंड विच इज शोन एज असेट टू बी रिटर्न ऑफ एज टेन थाउजेंड पर एनम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर हालांकि this treatment is not उड this accounting treatment is no more permitted. पर अभी सिर्फ करंट नॉन करंट समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि आप ऐसा करते आए बचपन से तो एक्सपेंडिचर फिफ्टी थाउजेंड शोन एज अ सेट टू बी रिटर्न ऑफ टेन थाउजेंड पर आरम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आपको करना है इसे क्लासिफाई कैसे करेंगे आप इसे क्लासिफाई? आंसर क्या होगा आपका आप लिखेंगे पूरा फिफ्टी थाउजेंड नॉन करेंट असेट एज रूल वन टू थ्री और फोर नॉट एप्लीकेबल वन इसलिए नहीं क्यों क्योंकि दिस इज नॉट ऑपरेटिंग असेट नॉट एन ऑपरेटिंग असेट नीदर इट इज एन इन्वेंट्री This will not be realized slash and cashed, क्योंकि ये तो खर्चा हो चुका है इसमें पैसे मिलने नहीं है दिस इज नॉट कैश और कैश course. तो कोई रूल नहीं लग रहा है तो अनफॉर्चुनेटली आपको पूरा पचास हजार नॉन करंट में डालना पड़ेगा किसी बच्चे ने बोला है सर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल एक बार दोबारा बता दीजिए वाई नॉट तो अविरल पहले वाले केस में आप एक चीज समझो जो चीज बारह महीने में रियलाइज हो जाएगी या उम्मीद है रियलाइज हो जाएगी वो करंट है तो एक एकट में अगर एक भाग बारह महीने में इनकैश होगा और बाकी का भाग बाक बाद में इनकैश होगा तो जितना भाग बारह महीने में इनकैश होगा, तो होगा वो करंट और बाकी का भाग बाक क्या हो जाएगा नॉन करंट तो ऐसा हो सकता है क्या सर कि एक ही असेट को बैलेंस शीट में अपन करंट और नॉन करंट में स्प्लिट करके दिखाए बिल्कुल हो सकता है बेटा बिल्कुल हो सकता है कोई दिक्कत नहीं हमेशा पॉसिबल है ऐसा एकदम चलेगा कोई दिक्कत नहीं बिंदास चलिए ऑल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विथ रिमेनिंग लाइफ ऑफ नाइन मंथ्स बिना दिमाग लगाए नॉन करंट असेट मशीन विच इज नाउ रिटायर्ड फ्रॉम यूज अब यूज में नहीं आ रही है एंड इट इज हेल्ड फॉर सेल इसको क्लासीफाई करो ये करंट हो सकती है इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन कैश रियलाइज विद इन ट्वेल्व मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यार अभी तो आप बोल रहे थे सर पीपी हमेशा नॉन करंट है और अब आप बोल रहे हो कि ये करंट हो सकती है तो अब बेटा ये पीपी -पी बची नहीं व्हाट इज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसे आप पहले फिक्स एसेट बोलते थे विच इज हेल्ड फॉर यूज वेदर प्रोडक्शन रेंडरिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव रेंटल कोई भी परपज में आपने उसको यूज के लिए रखा है तो माना जाता है कि वो अपने आप में गया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप देखो अगर आप उसको यूज के लिए रख ही नहीं रहे हो और अब आपने उसको डिस्पोज कर कर दिया दिया या आउट ऑफ यूज कर दिया। मतलब समझ में आ रहा है आपको भैया तो मैंने एक जमीन खरीदी थी ये सोच के कि यहां पर हम क्या करेंगे यहाँ पे लच्चे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बनाएंगे और वहां से हम हमारी एक होटल चलाएंगे लच्चे फॉर एग्जाम्पल अब वो जगह पर सरकार ने कंस्ट्रक्शन ही बंद कर दिया ग्रीन बेल्ट में आ गई जगह तो मैंने बोला यार अपना तो काम ही होटल चलाने का है अपने कोई काम की नहीं है ये तो क्या करेंगे तो हमने बोला अब इसे बेच देते हैं

तो ये अगर आपको लगता है बारह महीने में, में रियलाइज हो जाएगी तो आप इसे कैश कर दीजिए कोई दिक्कत <स्कुण> पर्स अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में इनका इशू ये है कि टेन ये, लाख पर आनम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर दिया है इसका मतलब क्या है आपको और अच्छे से चाहिए तो आप यू लिख लो कि थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन में हमारा पचास लाख रुपए का लोन है जिसमें रीपेमेंट होगा कब से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू से दस लाख फिर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी हो इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस की तो इससे बारह महीने के अंदर अंदर ये दस लाख रुपए आपको मिल जाएंगे तो इसलिए ये करंट है और उसके बाद के नॉन करंट है ऐसा है नेक्स्ट ईयर का ये मतलब होता है ऐसे आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन मन में इसके लिए अपन इसीलिए तो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं इतने सारे चलिए नॉट बा देखें अब थोड़ा सा फ, रूल नंबर फोर को मैं इलाबोरेट करूंगा रूल फोर कहता है कि अगर कोई चीज कैश या कैश इक्विवेलेंट है तो वो करंट है सीधी सी बात है क्या सीधी सी बात है सर कैश इक्विवेलेंट क्या होता अभी है अभी समझाइए ओके बेटा अभी समझाता हूँ ट इज कैश इक्वलेंट कैश इक्वलेंट की डेफिनेशन है असेट दैट आर रेडिली रियलाइजेबल इन कैश असेट दैट आर रेडिली रियलाइजेबल इन कैश असेट दट इज रेडिली रियलाइजेबल इन कैश With insignificant risk of changes in value, जिसे आप आसानी से कैश कर सकते हो और उसमें वैल्यू चेंज होने का कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है डर नहीं इसे आप कहते हैं कैश इक्वी उदाहरण के तौर पे क्या हो सकती है ऐसी एसेट तो नॉर्मली बैंक बैलेंस और बैंक डिपॉजिट्स ये कैश इक्विवेलेंट हो सकती है क्या चीजें कैश इक्विवेलेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स गोल्ड म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा एज दे है सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू हाँ अगर आप कोई डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो जहा वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जैसे की एफडी हो गई या डिबेंचर्स हो गए तो वो कैश इक्विवेलेंट हो सकती है प्रोवाइडेड वो रेडिली रियलाइजेबल है अब सवाल आता है रेडिली रियलाइजेबल का क्या मतलब है तो आईसीआई हैज क्लैरिफाइड दैट रेडिली रियलाइजेबल मींस रियलाइजेबल विद इन Three months usually readily realizable का मतलब है जो usually तीन महीने के अंदर अंदर realize हो जाए उसे कहते और सर हम तो बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं सर कभी आप बारह महीने कहते हैं कभी तीन महीने कहते हैं अरे मेरे दोस्त अगर बारह महीने में रियलाइज होएगा तो रोल थ्री में करंट है तो तीन महीने में होगा सर तो तो अभी वो करंट ही होगा ना तो फिर रूल फोर की जरूरत पड़ी है बहुत सही कह रहे हैं आप अरे सर क्या कर रहे हैं भाभी जी घर पे हैं ऐसा लग रहा है <laughs> तो दोस्तों रूल फोर ऐसे देखा जाए तो रूल थ्री के बाद रूल फोर की क्या जरूरत थी तो ऐसा है जरूरत यह भाई कि रूल थ्री क्या बोलता है रियलाइजेबल अब आपके पास कैश इन रखी हुई है तो वो realizable थोड़ी तो तो है, तो है रूल फोर तो एक पांच मिनट दस मिनट और देना मैं इसको पूरा होलिस्टिकली समझाऊंगा तब आपके सारे लूज एंड टाई हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन होगा तो खत्म हो जाएगा इसमें क्या बोला कि अगर कोई चीज विद इन थ्री मंथस रियलाइज होती है और उसमें कोई रिस्क नहीं है कि वैल्यू वगैरह चेंज होगी तो आप उसे एक काम करना करंट तो दिखाना पर करंट में भी कैश इक्विवेलेंट के नाम से दिखा देना अब इसमें दो बातें हमें इसमें क्या लीगल टेन्योर देखना है या पास्ट एक्सपीरियंस हमारा इंटेंशन देखना है और दूसरा सपोज हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस है पर किसी कारण से हम उसे यूज नहीं कर पा रहे तो उसका क्या इंपैक्ट होगा तो इसके लिए व्हाट हैज बीन क्लैरिफाइड देखिए ए मैनेजमेंट इंटेंशन पास्ट प्रैक्टिसेस आर रेलेवेंट टू डिटमाइन वेदर असेट इज रेडिली रियलाइजेबल और नॉट मतलब क्या है? इसका देखिए एग्जाम्पल कमनी हैड सरप्लस कैश ऑफ टेन लैक ऑफ विच It made a fixed deposit for three years. Classify if past experience shows the company will encash the FD. अब अलग अलग केसेस बनाता हूं मैं चलो केस ए वेनेवर इट नीड्स फंड्स केस बी विद इन ट्वेल्व मंथ्स यूजुअली केस सी On maturity usually answer. Case one may it is a current set, and will be classified as cash equivalent. Case two may it is current set, but it will be classified as cash and bank balances. बट नॉट अंडर कैश इक्वीव और केस थ्री में तो इसे नॉन करंट करंटेट क्लासीफाई करना पड़ेगा ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल लिया दोस्तों मैंने कि जो वाकई गहराई में जाके चीजों को समझना चाहते हैं इसे एक एग्जाम्पल से उनको ये सब कुछ बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए पसंद आया हो तो जरा छाट में इमोजीज इमोटेकॉन्स के द्वारा आप अपने भाव व्यक्त करें सुजेस्ट हाउ हो बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष भाई आपका आया भाई तने को भी आया धन्यवाद केस भी एक बार फिर से समझाइए दिबांशु कह रहे हैं ओके okay. तो देखो रूल थ्री क्या कहता था इंटेंडेड एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज ट्व मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट यहाँ पे क्या हो रहा है मैंने तीन साल की एफ डी करी है पर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि मैं बारह महीने के अंदर अंदर इनकैश कर लूंगा इसका मतलब क्या हुआ इस पर रूल थ्री है करंट असेट है क्यों करंट असेट है क्यों, क्यों? क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड टू बी बियलाइज ट्वेल्व मंथस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट क्योंकि बुला है केस टू में हम नॉर्मली बारह महीने में इनकैश कर लेते हैं यानी एफ डी करी तीन साल की है पर तीन साल तक रखते नहीं है उससे पहले ही पैसे की जरूरत आ जाती है अच्छा आपको इतना तो पता होगा कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कोई भी एफडी बैंक में आपने करी है तो बैंक आप कल जाओगे और बोलोगे कि यार मुझे एफडी तोड़ना है और मुझे अभी पैसा चाहिए बैंक को आप अगर अगले दिन जाके ऐसा बोलते हो तो बैंक बोले कि यार आपने तो तीन साल के लिए करी थी तो हमने बोला हाँ पर जरूरत पड़ गई दे दीजिए तो बैंक मना नहीं कर सकती उसको देना पड़ेगा फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो बैंक ने ब्याज कमिट किया था तीन साल की एफ पे वो आपको वो ब्याज नहीं देगी तो ऐसा लीगली अलाउड है तो मैं बैंक के पास गया और मैंने बोला बैंक तीन साल की एफडी करी थी बैंक ने बोला तुम फिर आ गए हमने बोला क्या करे जरूरत पड़ गई पैसों की बैंक ने बोला काय को करते हो फिर तीन साल की एफडी हमने बोला अरे उम्मीद तो हमेशा रहती है हमें की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ब्याज अच्छा मिल जाएगा पड़ गई तो ठीक है कम ब्याज मिलेगा जेब से तो नहीं लगे जो मिला वही ठीक दे दीजिए तो बैंक दे भी देगी मेरा फास्ट एक्सपीरियंस बोलता है कि मैं तो एक दो तीन महीने में जाके उसको तोड़वा लेता हूँ तो ये क्या हो गया भले लीगली तीन साल के लिए मेरा पास एक्सपीरियंस बोलता है नहीं नहीं नॉर्मली छह आठ महीने साल भर के अंदर अंदर तोड़वाता हूं तो आप इसे करंट असिड मानना पर कैश इक्विवेलेंट में मत दिखाना तो कहां दिखाएंगे अभी मैं बैलेंस का फॉर्मेट बताऊंगा तो बताऊंगा कि उसको कहा शो करना और फाइनली हम बोलते हैं नहीं नहीं हम तो तीन साल की करी है तो नॉर्मली तीन साल तक ही उसको रखते हैं भले ही हमारे पास पावर है कि हम चाहें तो उसको कल तोड़ के पैसे निकाल लें पर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप उसे कहां दिखाओगे? तो ऑल इन ऑल ये जो अपन ने रूल बनाया है, ये क्या है ये बेसिकली बता रहा है कि कंपनी का इंटेंशन फैक्ट्स ऑफ द केस के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है और इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है अब इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा इफ एनी कैश इक्वी वेलेंट इज रिस्ट्रिक्टेड नी कैश यू क्लेंड इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बींगल्व मंथस फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट देन आप उसे नॉन करंट क्लासीफाई कर दो तो। ऐसा नॉर्मली कब होगा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है तो इसके लिए अब आपको देखना है रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बींग यूज का मतलब क्या है This means that it cannot be encashed or even used to settle a liability. बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों एक और एग्जाम्पल आपको बहुत पसंद आएगा आप तारीफ करेंगे शायद कंपनी हैज डिपॉजिटेड कंपनी ने क्या किया डिपॉजिट किया है क्या टेन लाख इन जीएसटी कैश लेजर अकाउंट एंड गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स withdrawal of this amount in cash <clears throat> but permits of setting it against uh, your gst output tax liability हाउ टू क्लासीफाई दिस असेट क्योंकि आपने एडवांस दिया है तो यह असेट हो गया आपका तो इस असेट बैलेंस को आप कैसे क्लासीफाई करोगे ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इफ कंपनी एनुअल जीएसटी लाइबिलिटी इज मोर देन टेन लैख कंपनीज एन्युअल जी एस टी लाइबिलिटी इज अराउंड सिक्स लैक्स पर एन एम ओनली आंसर ये पूरा करंट सेट होगा यहाँ पे छह लाख करंट सेट और चार लाख नॉन करंट सेट इन नो केस इट विल बी शोन अंडर कैश इक्विवेलेंट, बट अंडर कैश इन बैंक बैलेंस इसका क्या लॉजिक है मतलब है अभी मैं समझाऊंगा ये आपको कहानी है इसके पीछे भी पहले नोट अपडेट करते हैं किसी ने पूछा है सर कि ऑपरेटिंग साइकिल अगर तीन महीने की है तो ऑपरेटिंग एसेट तीन महीने के अंदर अंदर, अंदर कंज्यूम सेल या रियलाइज होगा तो करंट हो जाएगा बिल्कुल सही है पर फिर भी उस पर रूल थ्री तो लगेगा तो अगर आपको लगता है कि वो असेट एन कैश होगा और बारह महीने में हो जाएगा तो रूल थ्री में भी वो करंट हो, हो सकता है अब आप कोई एग्जैक्ट असेट का एग्जाम्पल लेके पूछेंगे तो मैं और बेहतर समझा पाऊंगा अब आप ये वाला देखिए जीएसटी में आपने पैसे जमा कर दिया अब इसे मैं करंट दिखाऊं या नॉन करंट कैसे क्लासिफाई करूं इसको तो सीधी सी बात है अगर आपने जीएसटी में पैसा एडवांस में जमा किया है तो आप क्या बोलोगे क्यार ये है तो मेरा सेट क्योंकि मैं इससे अपनी लाइबिलिटी सेट ऑफ कर सकता हूँ तो रूल फोर क्या कहता है कैश कैश इक्वलेंट को आप नॉन करंट क्लासीफाई तब करोगे जब आप बारह महीने तक आपको लगता है कि आप उसको यूज नहीं कर पाओगे कोई लाइबिलिटी सेटल करने के लिए अब तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है एक्चुअल में रूल ही गलत बनाया है इसे क्योंकि कैश इक्वलेंट की डेफिनेशन तीन महीने की और बाद में बोलते हैं बारह महीने तो आईसीआई ने बोला है कि सुनो रूल फोर में आप सबसे पहले एक चीज समझ लो कि कैश इक्विवेलेंट करंट असेट है इसका मतलब ये नहीं है कि कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो करंट असेट नहीं है कैश इक्विवेलेंट वो जो विद इन थ्री मंथ्स आपका रियलाइज हो जाता है वो कैश इक्विवेलेंट भी है और करंट असैट भी है पर अगर कोई चीज तीन महीने में नहीं पर तीन महीने से ज्यादा पर बारह महीने में रियलाइज हो रही है तो वो करंट असेट तो है पर कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो एवरी कैश इक्विवेलेंट इज अ करंट करंट बट नॉट एवरी हैज टू बी अ कैश इक्विवेलेंट ऐसा बोलने के लिए बोल सकते हो सेकेंड एक और चीज रूल फोर बताता है कि कोई अगर आपके पास कैश या कैश जैसा बैलेंस है जिसको आप अगर बारह महीने तक कोई लाइबिलिटी सेटल करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो तो फिर आप उसे नॉन करंट मानना अदरवाइज करंट माना तो मेरा कोई बैंक में बैलेंस रखा हुआ है सरकार ने मेरे बैंक अकाउंट को सीज कर दिया क्यों क्योंकि मैंने उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे मुझे लगता है मैं वो डॉक्यूमेंट कल दूंगा कल खुल जाएगा तो वो बैंक बैलेंस को आप कैश इक्विवेलेंट दिखा सकते हो पल्चे बैंक ने मेरे खाते को सीज कर दिया और क्यों सीज किया उन्होंने कहा कि भैया अब ये बैंक में जो आपका पैसा है ये सीज कर दिया गया अब आप इस पैसे को छह महीने तक यूज नहीं करोगे ये एज अ सिक्योरिटी हमने जब्त कर रखा है तो छह महीने के बाद यूज हो जाएगा तो इसका मतलब ये करंट है पर कैश इक्वल नहीं पर बैंक ने खाता सीज कर दिया और बोला ये पैसा देंगे ही नहीं अभी कोर्ट केस चलेगा तीन चार साल में जब डिसीजन आएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे पैसा आपको देना है या नहीं देना है तो ये पैसा मैं बारह महीने तक अपनी कोई लाइवलिटी पे करने में भी यूज नहीं कर सकता और एन कैश भी नहीं कर सकता हूं तो इस पर्टिकुलर केस में ये पूरा नॉन करंटेट क्लासिफाई हो जाएगा तो दिस इज बेसिकली वॉट यूर रूल फोर टॉक्स अबाउट विद रिस्पेक्ट टू वॉट

Which is in nature of cash and cash equivalent? Yeah, cash and bank balances that are realizable within. थ्री मंथस आर करंट असेट्स एज वेल एज कैश इक्वीवेंट यह ऐसा लिख दो दीज तो आर बैलेंस शीट में ये करंट असेट्स के अंतर्गत कैश इक्वीवेंट में शो होंगे इफ दीज आर रियलाइजेबल और आर यूजल टू पे एनी लाइबिलिटी विद इन ट्वेल्व मंथ्स बट आफ्टर थ्री मंथ्स मोर देन थ्री मंथ्स तो ये बैलेंस शीट में करेंट असेट्स में कैश इक्वीवलेंट की बजाय इसको अदर कैश इन बैंक बैलेंस के नाम से शो किया जाता है ये यहां आएंगे अगर ये आफ्टर ट्वेल्व मंथ्स है तो फिर इसे बैलेंस शीट में आप इसे नॉन करंट असेट्स के अंतर्गत दिखाएंगे कुछ भी नॉमिन क्लियर देखे ये आपकी पूरी समरी है इस सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए किसी ने कहना है कि भाई अगर केस चल रहा है तो वो कंटेंजेंट एसेट नहीं हो गया क्या बेटा एक चीज़ समझना कंटेंजेंट एसेट और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था दोनों में फर्क है समझना मेरे बैंक में दस लाख रुपए रखे हैं और सरकार ने सीज कर लिया क्या बोल के कि भैया आपने से कोई टैक्स पे नहीं किया है मुकदमा चलेगा और आप हार गए तो इससे आप टैक्स पे करना तो मैं मेरी बुक्स में वो दस लाख के असेट को अट दिखाऊंगा और अगर मुझे लगता है टैक्स पे करना पड़ेगा तो मैं उसकी साइड में लाइबिलिटी दिखाऊंगा मुझे लगता है कि यार शायद ही पे करना पड़े तो मैं कंटिनियंट लाइबिलिटी डिस्कलोज करूंगा पर हर केस में ये जो असेट है ये दस लाख तो मेरा असेट है ना ये कंटेजेंट थोड़ी ना ये तो मेरे बैंक में बैलेंस है हो सकता है ये मैं आगे यूज ना कर पाऊँ लाइबिलिटी में पे करना पड़ जाए तो मैं उसकी लाइबिलिटी दिखाऊंगा राइट

बाप रे आज तो चुक बहुत दिमाग के पलूट लग गए चलिए दोस्तों दो ही तरीके दोस्तों पढ़ने के एक है पढ़ लो पूरा और एक है मत पढ़ो अधूरा भी नहीं पढ़ने जैसा ही है तो अगर अच्छे से पढ़ना है तो शुरू में आपको थोड़े से ऐसे हो सकता है कि आपका दिमाग एकदम से झंझोड़ा जाएगा आपको लगेगा क्या हो रहा है बट फिर एक बार जब आप सारी चीजें कर लोगे फिर उसके बाद आप क्या करोगे

ICI clarification on bank overdraft presentation in balance sheet and कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने सुना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो एस थ्री में बनाया जाता है यह इसे एक क्लैरिफिकेशन है नोट कर लीजिएगा आप अगर आपने बैंक से कोई एक टेम्पररी ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रिएट किया है ऐसे करेंट अकाउंट में पांच लाख थे एक चेक लग गया हमारा छः लाख का बैंक ने बोला चलो ठीक है पास कर देते हैं एक लाख रुपए फिर जमा कर देना दो पांच दिन में इसे बोलते हैं टेम्प्री ओवर बैलेंस बैलेंस शीट में इट विल बी शोन अंडर लाइबिलिटीज एंड नॉट डिडक्टेड फ्रॉम Cash and bank balances or cash equivalents. But in your cash flow statement, it is treated as a negative cash equivalent. रिड्यूस फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विपलेंट किसी ने सवाल पूछा है सर गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर तीन महीने से कम है तो क्या कैश इक्विपलेंट क्या? हो सकते हैं पहली कंडीशन है कि उसमें इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन वैल्यू होना चाहिए तो अगर गोल्ड की बात करें तो उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकती है इसलिए वो कभी कैश इक्वलेंट नहीं हो सकता म्यूचुअल फ़ंड अगर आपने डिबेंचर्स के म्यूचुअल फ़ंड में किया है तो हो सकता है पर इक्विटी में किया है तो नहीं होगा एग्जाम में आए तो क्या करते हैं तो नॉर्मली आई क्या होती है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म फॉर थ्री मंथ है तो अज्यूम कर लेती है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी यानी वो एक तरह से फिक्स रेट ऑफ इनकम वाले होंगे तो उस तरह से उनको वो आपके कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन में कैश इक्वलेंट मान लेती है

लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हो सकता है आप उसे कैश और कैश कैशिकलैंड के बैलेंस के अंतर्गत दिखाएं यानी दोनों चीजें अलग अलग हैं तो इससे आप ये ना सोचें कि ये कैसे हो रहा है ये दोनों अलग अलग जगह प्रोविजन दिए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अलग चीज है बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन एक अलग चीज़ है तो इसमें आप बोल सकते हो कि टर्म एक ही दोनों जगह यूज हो रही है तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं बट दोनों का मतलब अपने अपने आप में अपने अपने तरह से अलग है ठीक है जी चले नोट अपडेट कर दें जी सर इसके बाद में एक दो क्वेश्चन थोड़े से और पूछने थे पूछ लेता हूं थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज माई ठीक है डेटर ऑफ टेन लाख, जिसकी ड्यू डेट है इकतीस जनवरी दो हजार तेईस बट इज एक्सपेक्टेड टू रीपे only by 31 मई 2023 और एक्स्ट्रिक्स ही इज एक्सपेक्टेड टू पे ओनली बाय 31 मई 2023 क्लासिफाई इट इन द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2022 क्या होगा क्लासिफिकेशन बताइए इस केस में मेरा डेटर इज ड्यू विद इन ट्वेल्व मंथ्स बट एक्सपेक्टेड टू पे आफ्टर ट्वेल्व मंथ्स ऑफ रिपोर्टिंग डेट हाउ डू आई क्लासिफाई माई डेटा करंट सेट और नॉन करंट बैंक कैश क्रेडिट अकाउंट बैंक ओडी होता है क्या नहीं सीसी तो अपने आप में हमेशा लोन है वो फाइनेंसिंग में जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी ओडी मतलब टेम्परी यानी आपके करंट अकाउंट को अगर बैंक अलाउ करती है कि आप कभी कभी ओवरड्रॉ कर सकते हो कुछ अमाउंट तक तो वो ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट बकायदा आप अपना स्टॉक डेटर गिरवी रख के लोन के फॉर्म में लेते हो हैं वो चलता ओवरड्राफ्ट जैसे ही उसमें पैसा जमा होता है निकलता है जमा होता है निकलता है पर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अलग अलग चीजें हैं या कैश क्रेडिट और टेम्प्ररी ओवरड्राफ्ट अलग अलग चीजें हैं <clears throat> क्लास बस अपनी अब पांच दस मिनट और है कंप्लीट हो जाएगी चलिए बताइए कैसे क्लासिफिकेशन है हाँ कुछ लोग यहाँ पे भी दे रहे हैं आंसर कुछ के यहाँ पर भी आ रहे हैं बहुत बढ़िया तो इस केस में आपको इसे नॉन करेंट एसेट क्लासिफाई करना पड़ेगा अच्छा हुआ ये क्वेश्चन पूछा पूछना ही था क्योंकि मालूम था बढ़ कर देते हैं बच्चे क्योंकि वो ध्यान देते नहीं है इस बात पे कि यहाँ क्या लिखा है रूल थ्री से एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज एक्सपेक्टेड का मतलब होता है एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड सर सर्व क्या बात बोली? आया समझ में तो क्या लिखा है एक्सपेक्टेड टू तो बी रियलाइज्ड और एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है आपको उम्मीद क्या है कि इतने समय में रियलाइज करोगे आप ना कि ड्यू डेट क्या है। तो एसेट्स के केस में क्योंकि हर जगह शब्द एक्सपेक्टेड या इंटेंडेड लिखा है इसलिए आपको हमेशा एक्सपेक्टेड पीरियड देखना है तो आप बोलेंगे कि ये नॉन करंट एसेट है एज़ दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज आफ्टर ट्वेल्व मंथ ठीक है तो ड्यू डेट नहीं देखना एक्सपेक्टेड डेट देखना है किसका डिस्कशन हो जाता है दिस काइंड ऑफ कंप्लीट डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स सेम जो ये डिस्कशन था सेम टू सेम यही डिस्कशन आपका करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए रहेगा एक्सेप्ट वहां पे दो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको समझा देता हूं पैरा थ्री पैरा टू में ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन है पैरा थ्री ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन टू बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल थ्री डिविजन वन बताता है A liability is classified as current if a liability ko current classified as current. If it is expected to be settled. विद इन द कंपनीस नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और प्राइमरिली हेल्थ फॉर ट्रेडिंग आप बोलोगे यार लाइबिलिटी में कोई ट्रेडिंग कैसे करता है ऐसा नॉर्मली आपने कभी शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन देखे तो उसमें शॉर्ट पोजिशन लॉन्ग पोजिशन दोनों थी वो है टिपिकल है आप इसको इग्नोर करें ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन ट्वेल्व मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड यानी बैलेंस शीट डेट से बारह महीने में ड्यू टू बी सेटल्ड और ये पहला फर्क है जो मैं बता रहा था यहां पर ड्यू टू बी सेटल दिया गया है ना कि एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड और कंपनी हैज नो alternative in its hands or on its own is in its hands to defer settlement beyond 12 months From the end of reporting date, this is a different. Settlement, whether in cash or by issuing own equity shares. Will not change the classification of liability. आप नोट कर लीजिए चलिए नोट कर लीजिए एक बार क्विकली समझा देता हूं मैं लाइबिलिटी केस में लाइबिलिटी को भी करंट और नॉन करंट क्लासिफाई करना है यह क्लासिफिकेशन कैसे करूंगा तो सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल वाला रूल सेम है अगर आपको लगता है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में अब लाइबिलिटी जैसी चीज़ तो कंज्यूम या सेल नहीं होगी यूजुअली तो आप क्या करोगे पे करोगे तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ पहला वाला पार्ट है करंट में क्या था इंटेंडेड टू बी सोल्ड सॉरी एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंडेड टू बी सोल्ड और कंज्यूम यहाँ पे सिर्फ क्या एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज की बजाय सेटल्ड तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइबिलिटी कितने समय में सेटल होने की उम्मीद है विद इन द कमनी इज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो आप उसे करंट क्लासीफाई कर दो खत्म हो गई बात तो आपका कोई भी सपोज फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल तीन साल की और आपके क्रेडिटर दो साल में पे करना है तो इस केस में आप उसे करंट क्लासीफाई कर दो पर ध्यान रखना वापस से सेम रूल लगेंगे क्या क्रेडिटर फॉर फिक्सड एसेट या मशीन है तो उस पर रूल वन मत लगाना क्यों नहीं लगाएंगे सर रूल वन उसके ऊपर सीधी सी बात है क्यों क्योंकि क्रेडिटर फॉर फिक्स असेट और मशीन इज नॉट एन ऑपरेटिंग आइटम

तो कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है कि यार रहने दो आप इसको करंट मत मानो पर आपने किसी से पैसे लिए और आपको उसने एक कमिटमेंट लिया है कि आपको एक साल में देना है मुझे मालूम है मैं एक साल बाद भी पुश कर लूंगा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा भारत है यहाँ पे क्या होता है केस चलते हैं सालों साल आती है और लगती है तो सिर्फ डेट कोई बिगाड़ नहीं पाएगा हमारा कुछ तो हमारे को ऐसा लगता है कि साल भर के हम तो दो साल बाद पेमेंट करेंगे तो क्या मैं इसे नॉन करंट मान लूँ तो देखो ये कितनी गलत अप्रोच है प्रेजेंटेशन की भाई आपकी जिम्मेदारी है साल भर में पे करने की लीगली आपको पे करना है तो आप उसे करंट मान तो करंट लाइबिलिटी में हम किस स्टेज में जाते हैं हम थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं कि भैया ड्यू है ना तो करंट है खत्म पर असेट में अपनी कंजर्वेटिव अप्रोच ये नहीं होगी कि हमारा हक है लेने का तो करंट मान लो हमें रादर देखना पड़ेगा उम्मीद है क्या कि हमें तब तक मिल जाएगा अगर लग रहा है नहीं मिलेगा तो हम करंट नहीं इसलिए करंट एसेट का रूल थ्री कहता है एक्सपेक्टेड टू बी आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ये करंट लाइबिलिटी का कहता है ड्यू टू बी सेटल्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ये डिफरेंस है मैंने आपको डिफरेंस इतना हाफ करके इंपॉर्टेंस देके बता दिया कि अब आप इसमें शायद कंफ्यूज ना होंगे हालांकि इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा आज मैं आपको बहुत सारे टेलीग्राम पे एमसीक्यूज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए मजा आएगा आपको उनको सॉल्व करके बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी भी होगी इसमें चलिए आखिरी वाला पॉइंट क्या कहता है वो एक सिंपल सा रूल है बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं। कल अपन डिस्कस कर लेंगे अभी पास समय नहीं है 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 और वाला रूल सिर्फ ये कहता है, कि कई बार ऐसा हो सकता लास्ट वाले का एक एग्जांपल लिख देता हूं बस बाकी कल कर लेंगे इसको डिस्कस इशूड डिबेंचर ड्यू टू बी रिडीम्ड आफ्टर सिक्स मंथस छ महीने बाद ही रिडीम होने के लिए ड्यू है बट दिट इज ड्यू टू बी रिडीम्ड आफ्टर सिक्स मंथस बट कमनी हैजप्शन टू रोल ओवर for another 3 years whether it is a current liability if a company intends to roll over company does not intends to roll over what if option was with debenture holder and debenture holder intended to roll over not roll over अब आप बोलोगे सर ये रोल ओवर का मतलब क्या होता है भाई समझो आपके पास खूब सारा पैसा है बैंक में पांच परसेंट में एफडी में पड़ा हुआ है मैं आया मैंने बोला अरे एक्सपेंशन करना है पैसा चाहिए आपने बोला अरे सर को देने में रिस्क नहीं है आपने मुझे एक लाख रुपए दे दिया आपने मुझे दिया एक साल के लिए बोला एक साल में वापस कर देना मैंने बोला जी आपने एक ऑप्शन और रखा आपने बोला सर साल भर बाद अगर आपको चाहिए तो सेम ब्याज पे मैं एक साल और के लिए एक्सटेंड कर दूंगा टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं एक साल और बढ़ा दूंगा टर्म पर ब्याज उतना ही जितना अभी चल रहा है मार्केट में कम हो गया तो भी उतना ही देना पड़ेगा पर एक साल आगे और एक्सटेंड कर देंगे तो आप पैसा तब मत देना एक साल बाद देना तो ये कहलाता है रोल ओवर साल भर बाद ड्यू डेट है फिर रोल ओवर हो सकता है इसमें ऑप्शन किसके पास है तो मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया है इसमें कंपनी ने डिवेंचर इश्यू किया कंपनी के लिए लाइबिलिटी है और इसमें कंपनी के पास ऑप्शन है कि तो उसको आगे कर सकती है। रूल फोर कहता है कि क्या के पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है अपने हाथों में कि वो उसका के आगे पुश कर सके तो मैं बोलूंगा नहीं अल्टरनेटिव तो, है, तो रोल ओवर कर सकती है और अगर अल्टरनेटिव है तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी होगी भले ही कंपनी का इंटेंशन रोल ओवर करना हो या ना हो लेकिन अगर ये ऑप्शन होल्डर के पास है तो कंपनी ने पैसा दे दिया है सॉरी कंपनी ने पैसा ले लिया है और छह महीने बाद उसको लौटाना है अब होल्डर चाहे तो बोल सकता है तो तीन साल बांध होल्डर चाहे तो बोल सकता है आज दूंगा तो आप बताइए कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलेगी अपने को तो मान के चलना भैया लाइबिलिटी आ सकती है व्यवस्था करके रखो करंट असेंट बना के रखो कभी मांग लिए तो मैं क्या करूंगा मेरे हाथ में थोड़ी ना बचना तो दोनों केस में ये करंट लाइबिलिटी इससे आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा कि बेसिक डिफरेंस असेट्स और लाइबिलिटी में लाइबिलिटी में ड्यू ज़्यादा फोकस करते हैं लीगल राइट right पे ज़्यादा फोकस होता है असेट्स के केस में एक्सपेक्टेड इंटेंशन उम्मीद कब पैसा मिलने, पे current, -current. मिलने की उस पर फोकस होता है लॉजिकली सही भी है लाइबिलिटी आपको जब ड्यू है पे करना उसके हिसाब से करंट नॉन करंट असेट में जब उम्मीद है मिलने की उसके हिसाब से करंट और नॉन करंट यहाँ पे एक आखिरी बात यह लिख लीजिए यहाँ पे ये रिडीम करने का ऑप्शन होता या कन्वर्ट करने का होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यानी अगर ये डिवेंचर रिडीमेबल की बजाय कन्वर्टेबल होते कि भैया छह महीने बाद मुझे अपने इक्विटी शेयर देके कन्वर्ट करना है तो भी इसे क्लासिफाई अभी तो आप लाइबिलिटी में ही करोगे तो करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन किस पर डिपेंडेंट है इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि समय कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैश में पैसा देना है या अपने शेयर्स के थ्रू सेटल करना है दैट विल नॉट क्रिएट अ डिफरेंस वो वाली बात यहां पर लिखी है ऑफ लाइबिलिटी के क्लासिफिकेशन के लिए मोड ऑफ सेटलमेंट क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता चलिए दोस्तों आज तो बढ़िया डिस्कशन हुआ हमारा काफी प्रोडक्टिव रहा आज का और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है कल रिविजन में काफी मजा आएगा हमको क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अपने पास अब रिवाइज करने की शेड्यूल थ्री हमें एक लेक्चर लगेगा इसको कवर करने के लिए एक पार्ट ऑफ द लेक्चर तो अगले लेक्चर के पहले पार्ट में हम शेड्यूल करेंगे से है। और करंट नॉन करंट जरूर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह टाइप के भी क्वेश्चन में काम में आएगा उस एंगल से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है नेवर लेस दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन and now we will have have a doubt session. if any any of of you have any doubts, you doubts, doubts can just kind of put it up. तो आए, ले 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 GST example, non-current भारत सरकार ने एक सुविधा दी है कि अगर आप चाहो तो आप हर महीने की अपनी जीएसटी लाइबिलिटी का कितनी लाइबिलिटी उतने का चालान बना के उतना पैसा ट्रांसफर करके जीएसटी पे कर सकते उसके अलावा आप चाहो तो एक खाता है जीएसटी का आपका कैश लेजर अकाउंट आप चाहो तो उसमें पहले से पैसे डाल के रख दो और जब भी फिर आप रिटर्न फाइल करोगे तो उस खाते में से आप लाइबिलिटी एडजस्ट कर लेना अगर आपने आपका पैसा जीएसटी कैश लेजर अकाउंट में डाल दिया तो ये जो मैंने रूल बनाया लीगली वहां से कैश विड्रॉ भी हो जाता है पर मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें कहा है कि एक बार आपने उस खाते में डाल दिया तो वहां से कैश वापस नहीं निकलेगा बस जो आपकी जीएसटी की हर महीने की लाइबिलिटी है वो पे करने में आप यूज़ कर सकते हो तो अब आप समझिए मैंने दस लाख रुपए जमा कर दिए अब मैं वापस निकाल नहीं सकता मेरी जीएसटी की आगे की लाइबिलिटी पे करने में काम आएगी अब मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी आने वाले साल में छः लाख रुपए मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि छः लाख रुपए एक साल का जीएसटी आउटपुट टैक्स बनता है मेरा अब मैंने गलती से कैश लेजर में दस लाख जमा कर दिए मैं बोलूंगा हे भगवान इसको यूज़ करने में तो मेरे को दो साल लग जाएंगे क्योंकि अगले साल में छः लाख यूज होगा और उसका बचा हुआ चार लाख उसके अगले साल यूज़ होगा तो इसके लिए आज दस लाख का बैलेंस है थर्टी मार्च पे लाख एक्सपेक्टेड टू बी यूज ट्वेल्व मंथ है तो वो छह लाख करंट है और बचा हुआ फोर लाख नॉन करंट चलिए किसी ने इसमें पूछा है सर एक बार बी वाला पॉइंट बता दीजिए इसमें व्हाट इफ ऑप्शन इज विद द डिवेंचर होल्डर ये वाले ऑप्शन का क्या मतलब है तो इसका मतलब ये है मैंने आपसे पैसा उधार लिया मैं डिवेंचर होल्डर आप कंपनी आपने मुझे बोला मैंने आपसे पैसा उधार लिया आप कम नहीं हो, मैं होल्डर हूं मेरे पास ऑप्शन है मैं अगर चाहूं तो साल भर बात क्या कर सकता हूं क्षमा <coughs> मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसी को अगर कंटिन्यू करूं तो मैंने आपसे पैसा उधार अगर लिया है तो मैं कंपनी हूं और आप डिवेंचर होल्डर हो तो आपने डिवेंचर इशू किया और मैंने पैसा रेस किया मेरी बुक्स में लाइबी और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपके पास ऑप्शन है आप चाहो तो साल भर बाद एक साल और के लिए रोल ओवर कर सकते हो मैं नहीं कर सकता तो मैंने आपसे लोन लिया साल भर बाद में आऊंगा और मैं बोलूंगा यार एक साल और आगे बढ़ा दो तो आपकी इच्छा है तो आप बढ़ाओगे नहीं है तो नहीं बढ़ाओगे इसका मतलब क्या मेरे आज में ऑप्शन है क्या कि मैं इस लाइबिलिटी को बारह महीने अपनी इच्छा पे बारह महीने के आगे पुष्ट कर सकता हूँ नहीं मैं आपके रहमो कर्मो पर डिपेंडेंट हो अगर आप मानोगे तो ही आगे बढ़ेगी नहीं तो नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसको पुश करने का तो कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस क्या कहती है कि भैया आप इसे करंट के चलो क्योंकि सामने वाला डिसाइड करेगा तो इस कारण से फिर इसे करंट लाइबिलिटी माना गया ठीक है जी चलिए ओके okay, okay, चलो

और साथ ही साथ में मैं गूगल ड्राइव पे भी इसको शेयर कर देता हूँ इतना जो अपना पोर्शन है ओके थैंक यू वेरी मच